ये डेंजर है, 600 है ठीक है, फ्लेम कुछ स्पार्क नहीं होना चाहिए उधर, आग लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में ये कंप्रेसर है, इसका कनेक्शन करके दिखाएगा ठीक है, और कंप्रेसर क्या है ये एक्सप्लेन करेगा। ओके, पूछो अभी क्या पूछना है। इसमें डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन कौन सा है? देखिए, डिस्चार्ज जो लाइन तुम्हारा होता है ना, ये डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतला होता है ठीक है, जो सक्शन लाइन होता है ना वो थोड़े को मोटा मिलेगा ठीक है। जो सक्शन होते हैं दो लाइन होते हैं ठीक है, एक लाइन में आप चार्जिंग लाइन लगा सकते हो, दूसरे में सक्शन लाइन, क्योंकि सिस्टम में क्या होता है, एक लाइन डिस्चार्ज होता है दूसरा सक्शन होता है ठीक है, एक पिन वाल होता है पिन वाल ठीक है। तो आप पिन वाल इधर लगाओ या इधर लगाओ ठीक है, तो वो बात ये की है। ड्रायर कहाँ लगता है इसका? ड्रायर आप, ये डिस्चार्ज लाइन है ना, इसे आउट होता है ना जब, तो कंडेंसर में जाता है, ड्रायर जाके कंडेंसर के बाद लगाया जाता है, फिल्टर ड्रायर वो कंडेंसर के बाद, कंडेंसर के बाद लगाया जाता है। ओके, और कुछ पूछना है? मतलब ये लाइन पूरा जब हाँ क्या बोलते हैं आपका, कंडेंसर के बाद, कंडेंसर के बाद, कंडेंसर के बाद फिल्टर ड्रायर लगाता है। ड्रायर का क्या काम है? ड्रायर का काम ये है कि अगर आपके सिस्टम में कुछ मतलब मॉइस्चर चला गया, जैसे ह्यूमिडिटी ठीक है, जैसे डस्ट कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ गंदगी है, जाके उसमें जो फिल्टर होता है उसके अंदर दाने दाने होते हैं जिसको सिलिका जेल बोलते हैं ठीक है, उसी को पकड़ने के लिए आगे जाने नहीं देता है। अच्छा, वो फिल्टर का काम वही है। हाँ, तो फिल्टर मतलब है कि फिल्टर पकड़ता है, साफ करता है ठीक है। ये इसका रिले है, ओवरलोड है। ओवरलोड का क्या मतलब, ये हीट के ऊपर काम करता है ठीक है। जब इसका टेम्परेचर तो हाई होता है, कुछ प्रॉब्लम हो, गैस ज़्यादा हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये सेफ्टी है ठीक है। ये आपका जो कॉमन पॉइंट है ना, इसी के ऊपर लगाया जाता है ठीक है। और ये इसका रिले है। रिले का क्या काम है? रिले का काम ये होता है कि इसमें एक रनिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ठीक है। जब इसमें पावर आता है तो वो स्टार्टिंग के साथ टार्क देता है। किसी भी मोटर को चलाने के लिए टार्क देना पड़ता है स्टार्टिंग के साथ। जब कंप्लीट रनिंग में आ जाता है तो स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ देता है। इस रिले में देखो तीन पॉइंट है ठीक है, तीन पॉइंट है ना, एक के ऊपर तुम्हारा केबल लगेगा पावर लाइन का, दो के ऊपर तुम्हारा कैपेसिटर लगेगा ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर। अच्छा, स्टार्टिंग कैपेसिटर में कितना का लगाएंगे इसमें? स्टार्टिंग कैपेसिटर डिफरेंट आते हैं, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है 80 110, यानी दो डिजिट में लिखा होता है। ओके, 65 मतलब दो डिजिट होता है, 84 ऐसा, जिस तरह नॉर्मल कैपेसिटर होते हैं 20 UF, 8 UF, रनिंग कैपेसिटर होते हैं उस तरह नहीं होते। अच्छा, रनिंग और स्टार्टर कैपेसिटर अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। ओके, इसमें हम लोगों को तो लगता है स्टार्टिंग कैपेसिटर लगते हैं। किसी किसी जो बड़े कंप्रेसर होते हैं उसमें दोनों भी लगते हैं, रनिंग स्टार्टिंग दोनों लगते हैं। जिस तरह मतलब डबल डोर चिलर हो गए, फ्रीजर हो गए, मतलब 1/2 का कंप्रेसर हो गया, जो बड़े कंप्रेसर हैं उसके साथ दोनों लगते हैं। आज तुम्हारा भी काम होएगा ठीक है। तो इसको हम अभी, ये जो कंप्रेसर है ना, इसको तुम रिले लगाओ या नहीं लगाओ, नहीं सॉरी कैपेसिटर, ये तुम्हारा चलेगा। अभी ये पावर है ना, इसको हम ये बिना लगाए चलेगा, कैपेसिटर बिना लगाए चलेगा? हाँ, ये छोटा कंप्रेसर है, छोटा। बड़ा कंप्रेसर में स्टार्ट, हाँ जो बड़ा कंप्रेसर होता है उस स्टार्टिंग उसके साथ लगाया जाता है, क्योंकि वो स्टार्ट नहीं लेता है। अभी देखो इसको ऑन करेंगे हम लोग, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, यह देखे चल गया ठीक है, तुम भाग गया, ये तुम्हारा चल गया ठीक है। ये अभी देखे, अभी ट्रिप हो गया। क्यों हो गया? ट्रिप हो गया, एक मिनट। क्यों ट्रिप हो गया? रीज़न, रीज़न दिखाएगा अभी। ये ट्रिप हो गया, क्यों ट्रिप हो गया? अभी इसका हम लोग ओवरलोड चेक करेंगे ठीक है, ओवरलोड का टेम्परेचर। अगर आपका ओवरलोड गर्म है तो मतलब आपने कनेक्शन गलत दिए ठीक है। अभी ये देखिए गर्म है, ट्रिप हो गया ठीक है, हाथ लगाओ। हाँ, ये हीट हो गया, हीट हो गया, ट्रिप हो गया ना। हाँ, क्यों ट्रिप हो गया? ये जो कनेक्शन है रिले के ऊपर, हाँ, ये आपने पॉइंट इधर लगाना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है। इसको आपने अभी देखो, ओवरलोड का साउंड आया ना, रिसेट हो गया। अभी इसको इधर लगा था ना, अभी इसको इधर लगाएंगे ठीक है,
इसका अपना पॉइंट यही है, ठीक है। अभी और लोड रिसेट हो गया, दोबारा लगाएंगे। ठीक हो गया, और ये तुम्हारा दूसरे पॉइंट में लग गया, ठीक है। अभी इसको ऑन करेंगे, अभी कंटिन्यूसली चलना चाहिए। चल गया, अभी ये ट्रिप नहीं होगा, ठीक है। पहले कनेक्शन गलत लगा था, ओवरलोड सेफ्टी है ना, उसके थ्रू ट्रिप हो गया। यानी अगर आप गलत कनेक्शन करोगे तो वो ट्रिप हो जाएगा। अभी इसमें कौन सा गैस लगता है? कोई भी कंप्रेसर होता है ना, उसके ऊपर लेका होता है। जिस तरह ये देखें, इसके ऊपर लेके R600 है। 600 है जो गैस है, फ्लेमेबल है। तो इधर फ्लेम लगा दिया, आग लगी तो और बड़ा छोड़ेगा। इसका बैक प्रेशर कितना रहता है? बैक प्रेशर 600 का आपका रहता है 5 PSI के नीचे। 5 PSI के नीचे? हाँ, 2 PSI, 3 PSI, 4 PSI। ओके, ठीक है, ये 600 प्रेशर होता है। ओके, ठीक। और कुछ? ये अभी इसका डिस्चार्ज हो गया। अभी ये इधर से भी शक करता है, ठीक है, ये इधर से भी शक करता है ना, और इधर से भी शक करता है, ठीक है। ये सक्शन लाइन है, चाहे सक्शन इधर लगाओ या इधर लगाओ, चार्जिंग वन या इधर लगाओ, गैस ओवर हो गया तो डिस्चार्ज लाइन से हम गैस निकालेंगे ना। कैसे ओवर हो गया? मान के चलो गैस नहीं, गैस तुम्हारा ज़्यादा हो गया ना, तुम्हारा पिन वाल लगा होता है। हाँ, ओके, ठीक है। उसको कॉल के जिस तरह टायर से हवा निकालते हैं, उसी तरह करके निकाल सकता है ये। मगर ये जो गैस निकालोगे ना, ये डेंजर है, 600 है, ठीक है। फ्लेम कुछ स्पार्क नहीं होना चाहिए उधर, आग लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अंडरस्टैंडिंग कमिंग। ओके।